पलवान 450 हाइड्रोलिक पाइप लीकेज होने के कारण गर्म होकर हाइड्रोलिक पंप सीज हो गया है। सीज होने के कारण हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा था। लिप कवर को ओपन कर लिए हैं और इसका हाइड्रोलिक फिल्टर है उसको खोल लिए हैं। हाइड्रोलिक पाइप लीकेज होने के कारण हाइड्रोलिक का पूरा ऑयल गिर गया है। इसका फिल्टर को आप देख सकते हो अच्छे से साफ कर रहे हैं। यही है इसका हाइड्रोलिक फिल्टर, 4 बोल्ट के साथ अंदर में लगा रहता है। ये है फिल्टर, इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, साफ सफाई इसका अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिट करेंगे इसको। हाइड्रोलिक पंप को ट्रैक्टर में फिट कर लिए हैं। ये हाइड्रोलिक पंप बहुत मुश्किल से मिला है बलवान 450 का, इसको ट्रैक्टर में फिट कर लिए हैं। हाइड्रोलिक ऑयल को इसमें अब डालना पड़ेगा। ये हाइड्रोलिक ऑयल डालने का ये है जगह, गेज यहाँ से ये ओपन होता है, ये यहाँ से ये ओपन होता है और यहीं से हाइड्रोलिक ऑयल को डालते हैं। हम डाल चुके हैं इसका हाइड्रोलिक ऑयल, गेज चेक कर रहे हैं। आइए अब ट्रैक्टर को, गेज चेक करने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। आइए ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके हाइड्रोलिक को अप और डाउन करके हम इसको चेक करते हैं। उठा चढ़ा डाउन कर। फ्रेंड्स, हमारा हाइड्रोलिक अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।